गुड मॉर्निंग, नमस्ते, आप सभी का स्वागत है और एक नई वीडियो पे। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे पुश पुल लेग वर्कआउट स्प्लिट के बारे में, जो कि मेरा ऑल टाइम फेवरेट वर्कआउट स्प्लिट है। वैसे तो बहुत सारे वर्कआउट स्प्लिट है, लाइक फुल बॉडी वर्कआउट स्प्लिट, अपर लोअर वर्कआउट स्प्लिट, पुश पुल लेग वर्कआउट स्प्लिट, ब्रो स्प्लिट, पर आज हम बात करेंगे पुश पुल लेग वर्कआउट स्प्लिट के बारे में। तो वीडियो के एंड तक बने रहेगा, मैं एंड में एक इम्पोर्टेंट टिप्स दूंगा जिससे कि आपका मसल ग्रोथ रैपिड वे में होगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो चलिए बात करते हैं पहले पुश पुल वर्कआउट स्प्लिट किन के लिए है। तो वीकली जो लोग 5 to 6 टाइम जिम जाते हैं उनके लिए पुश पुल वर्कआउट स्प्लिट एक बेटर ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे हमारा हर एक मसल ग्रुप को वीकली 2 बार ट्रेन करते हैं। जैसे कि पुश डे पे हमारा पुशिंग मूवमेंट पे जितने भी सारे मसल इन्वॉल्व होते हैं उन सब को हम एक साथ ट्रेन करते हैं, लाइक चेस्ट, ट्राइसेप एंड शोल्डर के फ्रंट एंड लेटरल डेल को। वैसे पुल डे पे हम हमारा पुलिंग मूवमेंट में जितने भी सारे मसल इन्वॉल्व होते हैं उन सबको एक साथ ट्रेन करते हैं, जैसे कि हमारा बैक के मसल, बाइसेप्स के मसल एंड रियर डेल्ट एंड ट्रैप्स के मसल को। और लेग डे पे हम हमारा लेग एंड आर्म्स को ट्रेन करते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा वर्कआउट स्प्लिट है फॉर स्पेशली बिगिनर्स के लिए। पर यहाँ पे लोग क्या करते हैं, इस ट्रेनिंग स्प्लिट को फॉलो करते वक्त वो खुद को ज्यादा ओवर ट्रेन कर जाते हैं। तो चलिए अब जानते हैं इस वर्कआउट स्प्लिट को आप कैसे इफेक्टिवली परफॉर्म करोगे। बेसिकली अकॉर्डिंग टू स्टडीज 10 to 20 सेट्स पर मसल ग्रुप पर वीक एक ऑप्टिमम मसल ग्रोथ के लिए बेस्ट है। इससे ज़्यादा अगर आप ट्रेन करते हो तो अपने मसल को आप ओवर ट्रेन कर जाते हो। तो टोटल रिकमेंडेड सेट को अगर हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो एक पुश पुल लेग स्प्लिट में हम 8 to 10 सेट्स पर मसल ग्रुप को लगाएंगे और अगले पुश पुल लेग स्प्लिट में हम 8 to 10 सेट्स पर मसल ग्रुप के हिसाब से लगाने वाले हैं। और इस स्प्लिट में हम ट्राइसेप्स एंड बाइसेप्स जैसे छोटे मसल को चेस्ट एंड बैक के साथ ट्रेन करते हैं, तो उनके लिए 8 to 12 सेट पर वीक एनफ होता है, क्योंकि चेस्ट एंड बैक जैसे बड़े मसल को ट्रेन करते वक्त बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स भी ट्रेन होते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं 2 most important टिप्स के बारे में। नंबर 1, फॉर बेटर मसल रिकवरी आप दोनों स्प्लिट के बीच में एक रेस्ट डे ले सकते हो। टिप्स नंबर 2, जब आप पुश पुल लेग या फिर कोई भी वर्कआउट स्प्लिट फॉलो करते हो तो हमेशा प्रोग्रेसिव ओवरलोड पे ध्यान दो, यानी कि हमेशा एक ऐसा वेट चूज करो जिससे कि आपका 8 to 12 रेप इजीली आ सके और अपना वेट को धीरे धीरे इंक्रीज करना है। और हमेशा अपना प्रोग्रेस को ट्रैक करो, क्योंकि मसल बिल्डिंग में हर एक रेप मैटर करता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको इस स्प्लिट के बारे में कोई डाउट हो तो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर पूछ सकते हो। तो वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। आज के लिए इतना ही, मैं फिर एक ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आपके सामने हाजिर होऊंगा। Thanks for watching.